आज का व्लॉग शुरू होता है दादी के मछली काटने से। तो हम देखेंगे कि दादी आज हमारी क्या मछली काट रही है और कितनी बड़ी मछली काट रही है। ये देखिए, ये इसे कहते हैं फारसा फिश, जो कि दादी ने रखा हुआ था एक मछली वाली से मेरे नींद से उठने से पहले ही। ये कटने के बाद ये ऐसे दिखता है और कटने से पहले ये ऐसे दिखता है और दादी इसे काट रही हैं और मैं ज़्यादा वीडियो निकालूंगी तो मुझे भी डांट पड़ेगी। ये जो फिश होती है ये हमारे यहाँ की नेटिव फिश होती है, ये समुंदर में पाई जाती है और इसका कुछ प्रजाति खाड़ी में भी पाई जाती है और ये खाने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होता है। और ये एकमात्र ऐसा फिश होता है जिसके पेट में नाभि होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये छोटा सा गोल सा, वो नाभि होता है फिश का। और बाकी सिर्फ मीठा पानी के इल्शा फिश में ही नाभि होता है, बाकी किसी फिश में नाभि होता नहीं है। ये देखिए इसके कान कैसे एकदम लाल लाल हैं, तो ये एकदम फ्रेश है, जस्ट समुद्र से निकाल के ला के ही हमें ये बिक्री किया गया है। इसका किलो अभी 300 रुपये चल रहा है बड़ी वाली का, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एंड देखिए दादी कैसे इसको काट रही है, बढ़िया, सारा पेट का कचड़ा बाहर। इसे काटने के लिए भी अभिज्ञता चाहिए, बहुत सालों की प्रैक्टिस, ये हम नहीं काट पाएंगे। देखिए एकदम ब्लड निकल रहा है, कितना फ्रेश फिश है। इसको हम लोग केले के पत्ती में बनाएंगे और फिर उसको हम खाएंगे। तो मेरा काम है कि मैं केले के पत्ती लेकर के आऊँ। ये मेरा बैकयार्ड गार्डन, वो देखिए मेरा एक कुमड़ा हुआ है, कद्दू जिसे कहते हैं, और पग भी रहा है, और ये अनानास का पेड़, और ये भी मेरा एक फल का पेड़ है, वो वहाँ पे एक फल लगा हुआ है जो कि शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ये मेरे पीछे का गार्डन, ये मेरा बैकयार्ड गार्डन, तो आइए गाइस चलिए मैं अभी लेने जा रही हूँ केले के पत्ते। ओ कितना प्यारा लग रहा है, देखिए ये जो जो विजुअल देखिए आप, एकदम सिनेमैटिक लग रहा है। मैं आपको धीरे 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 दिखाऊंगी, देखिए कैसे ये सिनेमैटिक लग रहा है एकदम। काश मेरे पास एक DSLR होता और मैं इसकी अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी में इसकी पिक्चर्स निकाल पाती। ये कितना अच्छा लग रहा है, जो नेचुरल सनलाइट है जो यहाँ गिर रहा है, देखिए ये कितना अमेजिंग लग रहा है ना, लग रहा है ना किसी पुरानी मूवी का सेट। दिस इज वेयर आई बिलोंग गाइस, एंड दिस इज सो अमेजिंग टू लिव इन अ बम्बू हाउस स्टिल नाउ स्टिल डेट। हमारे पास घर है शहर पे जो कि कंक्रीट का है, बट मुझे जब भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं, बचपन जीना होता है, तो मैं वापस इसी घर में आती हूँ, क्योंकि यही मैंने जन्म लिया था और ये घर मेरे दादाजी ने बनवाया और ये बहुत प्यारा है। आप देख सकते हैं मेरा पूरा घर ये बैम्बू का है, ये बैम्बू से बनाया हुआ है, एंड ये जो है ये लकड़ी का पीस है, और ये जो खम्भे आप देख रहे हैं ये भी लकड़ियों का है, देखिए ये भी लकड़ियों का है। ये पूरा नेचुरल रिसोर्स से बना हुआ है। और जब भी हम ऐसे हाउसेस बनाते हैं, ऐसे हाउसेस बिल्ड करते हैं, तो कार्बन एमिशन भी काफ़ी कम हो जाता है। हम अगर सीमेंट की घर बनाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लागत भी लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशन है उसमें। चलिए हम अभी लेने जाते हैं केले के पत्ते। तो गाइस दादी चली गई हैं केले के पत्ती तोड़ने, मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी तो उस वक्त मैं जा नहीं पाई, एंड दादी तोड़ रही हैं। दादी ये कहती हैं कि वो अच्छे पत्ती तोड़ती हैं और मैं अच्छे पत्ती नहीं तोड़ती। वो देखिए दादी, एक पत्ते को दादी ने झुका लिया है और अभी दादी तोड़ रही हैं। उनके हाथ में छोटा सा ये दांव है। खैर हाय, फोटो करते ऐसी तुम्हें हमारे तोलते दाव नहीं पता।
कैन दिएगा था ये कोई। ओहो ये देखिए दादी अभी इस केले के पत्ती में बनाएंगी फिश। और ये रहा हमारा गांव का रोड, वो रहा हमारा पहाड़। अब दादी आ रही है फ्रेम में, अब दादी जा रही है घर की तरफ। कितना प्यारा है मेरा घर, और मेरे पेड़ में फूल भी खिले हैं। मैं और भी ज़्यादा पेड़ लगाऊंगी फूल के। बड़े पापा के घर पे बहुत फूल पेड़ है, बहुत फूल पेड़। देखिए गाइज मेरे सुपारी पेड़ कितने लंबे लंबे हैं। और ये मेरी दादी पहुंच गई है घर की तरफ, और अब मैं चलूंगी घर की ओर। सवेरे सवेरे बहुत काम होते हैं हमारे यहाँ। बहुत कम लोगों को ही शायद पता होगा कि केले के पत्ती में भी फिश बनती है। केरलाइट्स जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो केरल के लोग हैं, वो उनको पता होगा कि हाँ वहाँ पे भी केले के पत्ते में बनता है। एंड जो बंगाल के लोग हैं उनको ही पता होगा, और जो अंडमान के लोग हैं उनको तो पता है ही। केले के पत्ती में फ़िश फ्राई का अलग ही टेस्ट होता है, लाइक अलग ही टेस्ट। वो टेस्ट जो है ना फिश का, वो मॉइस्चर वो उस पत्ती में ही लॉक हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे गाइस क्या हम केले के पत्ती को भी खा लेते हैं? नहीं नहीं केले के पत्ती नहीं खाते, बस उसके ऊपर से निकाल करके फिश को खाते हैं। और अब दादी जा रही है पत्ती को साइज वाइज करेंगी, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। अब दादी आ गई है हमारे किचन में। ये हमारा खाना बन रहा है सवेरे सवेरे, हमारा प्यारा सा चूल्हा जल रहा है, और ये फिश दादी अरेंज कर रही है। मुझे कुछ कुछ फिश लेकर के फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि हमारे घर पे फ्रिज नहीं है, तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। जनरली हम फ्रिज में रखते नहीं हैं, खा लेते हैं, बट आज ज़्यादा हो गया, तो आज बुआ के घर का फ्रिज में रखना होगा। ये देखिए उसके अंडे और छोटे छोटे उसके पेट के, हम लोग इसको नाभि बोलते हैं, कोड़ी भी बोलते हैं। मुझे बहुत पसंद है ये खाना। और ये कितना प्यारा फिश, कितना प्यारा फिश, मज़ा आएगा आज तो। अरे चूल्हे में आग भी बढ़िया जल रही है। और वो रहा बिल्ला मेरा, ये वेट कर रहा है कि कब बनेगा फिश, कब मैं खाऊंगी खाना। लेकिन ये मेरे घर का बिल्ला नहीं है, ये पड़ोसी का बिल्ला, नहीं बिल्लौटी है। एंड मेरा बिल्ला पता नहीं कहाँ गया हुआ है, सवेरे सवेरे चूहा मारने गया होगा। एंड आएगा वो, उसके बाद खाएंगे हम लोग साथ में खाना। ये देखिए ये लकड़ी से निकल रही है धुआं, ये सब बहुत बढ़िया वाइब्स देती है गाइस। ये देखिए प्यास सारा ही भाज होता है, तुम्हारे जरम भाज दे इच्छा करे। मछली का मुझे बुआ के घर जाना है, तो इसीलिए मुझे मछली। ओ दादा ऐसे नहीं बनी, हम पारबो ना पारबो ही नहीं। टिफिन तो बंद है ना, टिफिन भी बंद नहीं हो रही है गाइज। इतनी मुश्किल से मैं बंद करने की कोशिश कर रही हूँ बट तो गाइज मेरी दादी ने ये फिश पूरा सजा दी है, ये मसाले मैं आपको दिखा नहीं पाई, सॉरी मैं कुछ और काम कर रही थी। और अब दादी ने ये रख दिया है कढ़ाई पे, और अब इसको वो अच्छे से धीमी धीमी आंच में पकाएंगे। आंच ऐसी रहेगी धीमी धीमी, और ये पकता रहेगा। ये हमारा फिश एक तरफ से बन के रेडी हो गया। अब देखिए दादी कैसे इसको पलटी करती हैं, दूसरे पत्ते में, ये सामने वाले साइड भी पकाना है, नीचे साइड पक चुका है। अब ये दादी ले रही है दूसरी वाली पत्ती, अब डाल रही है इसके ऊपर। ये टेक्निक बड़ा यूनिक है। अब इसके ऊपर एक ढक्कन, और ये पलटी। आप देखेंगे पीछे साइड से ये कैसे हल्का हल्का रोस्ट हो चुका है पत्ता। अब देखिए हल्के से इसको हटाएंगी। लुक एट द फिश, लुक एट द फिश। दादी बोल रही है बड़े भाई को
खाना खाने के लिए बुलाने के लिए, वो जंगल सफाई कर रहा है, मैं उसको फोन करूंगी फिर वो आ जाएगा खाना खाने। ये कितना यम्मी लग रहा है। ये देखिए, ये पत्ता मुझे बहुत पसंद है, मैं इसमें चावल डाल के, चावल इसमें मिक्स करके खाती हूँ। देखिए ये बन गया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी दादी इसको पकने के लिए रख देंगी। इससे क्या होता है ना, फिश का जो नेचुरल ऑयल है वो सेपरेट होके नहीं रहता, वो सेपरेट तो होता है बट देन वो केले के पत्ते में रह जाता है एंड वो हम खा सकते हैं चावल डाल करके। और फिश ऑयल आपको पता ही होगा कितने हेल्थ बेनिफिट्स है उसके। कितना, ये देखिए मेरा किचन, अभी देती दादी। ये तो लग रहा है हमारा खानदानी जग है। चलो मैं जग से पानी दे रही हूँ दादी को, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्लिप देखिए। ये देखिए गाइस, हमारी फिश तैयार हो गई है। ये जो पत्ता है ये मैं खाऊंगी, मतलब इसमें रख करके खाऊंगी खाना। और ये दादी मेरे को मुंडी वाली हिस्सा दे रही हैं, मुझे मुंडी बहुत पसंद है फिश की। देखिए कैसे भाप निकल रहा है, कितना लूशियस लग रहा है ये। ऐसा खाना अगर होटल में दिया जाए ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, यार लोग मजे से खाएंगे। दादी मेरे को अंडे भी दे रही है फिश की। कागो कागो फोटो गुला दे हम शबाई को दहाबो। देखिए कितने अच्छे से पक गया ये अंदर से। मेरा खाना रेडी है दादी, थोड़ा सा तेल दो ना फिश का। तेल तो उगई थे पति में, तेल कट करे उड़ाओ। मैं तो ताला डाला लगता है। अब ये दादी बस 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 बस, बस। दादी ने मेरे को फिश ऑयल दे दिया है, अब मैं इसको खाऊंगी बड़े आराम से। हाँ दीची, मैं इसको वरांडे में लेकर के आई हूँ ताकि मैं आराम से बाहर का नज़ारा देखूं और खाऊं। और ये चली हमारी भाभियाँ मोमबत्ती बनाने। ओ बदी को तेज आओ, टाटा। हाँ तो बात थल ना, मैंने खुद तो अपना प्लेट ले लिया बट दादी का प्लेट देने भूल गई। ये दादी का प्लेट, अब मैं जा रही हूँ खाने। टेणे 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 टेणे, ये मैंने ले लिया है नमक। गाइस मैं पतंजलि का ऐड तो नहीं कर रही थी, ये बस ऐसे ही रख दिया था। कुमरा शक बजे दोपहर खाबो। मैं तो चली ये यम यम फिश खाने और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत औसम है, बहुत औसम है, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और मेरे पास कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, नहीं तो मैं आपको खाते हुए वीडियो बना के दिखाती। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, मैं बस ये फिश का एग है एंड इट्स रियली टेस्टी, बहुत ज़्यादा। तो गाइस चलिए मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। सो टिल देन ईट फिश, टाटा।